मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। 24 जुलाई को मुमरा पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली कि दीवा इलाके में बीके नगर में बुद्ध मंदिर के पास झाड़ियों में एक शख्स का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन की टीम वहां पहुंची और उन्होंने उसे फौरन कलवा शिवाजी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ जाँच के बाद पता चला कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जिसके बाद कलवा शिवाजी अस्पताल ने उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट पे सामने आई कि उस व्यक्ति की लाठी और डंडों से मारकर उसे उसकी हत्या कर दी है, जिसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन ने 302 के तहत मामला किया और सीसीटीवी और गुप्त सूत्रों से जानकारी के अनुसार दो लोगों को हिरासत में लिया। सुल्तान शेख और रितेश राजेंद्र प्रसाद को हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति जितेश और सुंदर भोईर की चाइनीज़ की दुकान के पास बैठा हुआ था, जिसके बाद दोनों भाइयों ने उसको मना किया लेकिन वो नहीं गया, जिसको लेकर उन्होंने उसके साथ में झगड़ा हो गया। उसके बाद दोनों ने भाइयों ने मिलकर उसकी डंडों से लाठी से पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद इन दोनों को बुलाकर रिक्शा में बिठाकर इसके शव को झाड़ियों में फेंकने को कहा। इस तरह की जानकारी पत्रकार परिषद द्वारा थाने एसीपी उत्तम कोलेकर ने दी। उन्होंने बताया कि हत्या के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जब उस व्यक्ति का शव मिला तो उसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि वो कलकत्ता के पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और उसका नाम श्वेत शिरोमणि है, जिसकी शिकायत उसकी पत्नी ने मुकामी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड को लेकर क्या कुछ कहा एसीपी उत्तम कोलेकर ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। 24 जुलाई को मुमरा पुलिस स्टेशन को एक खबर मिली कि एक अम्बेडकर आदर्श नगर है बौद्ध मंदिर दीवा में, उसके पीछे झाड़ियों में एक युवक को ऐसे बेहोश स्थिति में डाला गया है। तो मुमरा पुलिस स्टेशन की टीम ए पी ए को लेकर वहाँ पे पहुँची। उन्होंने वो आदमी को ले लिया और वो बेहोश होने की वजह से उसको शिवाजी हॉस्पिटल कलवा में लेके गए, वहाँ पे उसको डेथ डिक्लेयर किया गया। तो बाद में इसका इंक्वायरी किया कि शुरू में तो इसका तो नाम तो पता किसी को मालूम नहीं था, अननोन आदमी था। उसका जब इंक्वायरी किया गया तो उसका नाम शोविक श्रीमणि, इस चीज़ की उम्र है 35 साल, ये पाया गया, जो धालीपुरा कलकत्ता वेस्ट बंगाल से लापता था। वहाँ पे उसकी मिसेस ने उसकी कंप्लेंट दर्ज कराई थी। फिर ये जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है केस का, ये मर गया कैसे, तो उसका पोस्टमार्टम में ये पता चला कि उसको मारपीट हुई उसके साथ, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। वो हिसाब से मुमरा पुलिस स्टेशन की टीम ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। सीनियर पी आई अनिल शिंदे ने, वहाँ के क्राइम पी आई दव ने, पी आई पासवरकर को लेकर एपीआई तांबे एपीआई उनकी टीम, उन्होंने दिन रात मेहनत करके वहाँ पे वहाँ के सीसीटीवीज, टेक्निकल एविडेंस और उनके इंफॉर्मेंट लगा के जब मालूम निकली तब ये पता चला कि उसको सुल्तान शेख और रितेश राजभर, ये दो लोगों ने रिक्शा में डाल के वो बौद्ध मंदिर के पीछे झाड़ियों में डाला गया था। तो उन्होंने अपने इन्फॉर्मर्स लगा के उन दोनों को पोजीशन में ले लिया। उनके साथ जब इंक्वायरी की गई तो उन्होंने कबूल किया कि ये जो मयत था वो आपके चाइनीज सेंटर पे बैठा था, जहाँ पे आकाश सर भोईर और इसका भाई जितेश भोईर ये सर्विस सेंटर और चाइनीज सेंटर चलाते हैं, तो वहाँ पे उनकी मारपीट हुई थी। जब इंक्वायरी की गई तो ये जो मयत है शव वो वहाँ पे बैठा था, तो उसको वे हकल रहे थे, वो जा नहीं रहा था, इसकी वजह से इन लोगों ने उसको वहाँ के डंडे से मारा उसको, और उसमें वो बेहोश हो गया। और फिर उन्होंने ये दोनों को बुला के सुल्तान और राजभर को बोला तो उन्होंने जाके वो झाड़ियों में उसको डाल दिया था, और इसकी वजह से ये मौत हो गई। फिर ये मुमरा पुलिस स्टेशन की टीम ने एक अच्छा काम किया है, जहाँ पे जिसको हमारे डीसीपी बुरसे साहब, एडिशनल सीपी देशमुख साहब, जॉइंट सीपी चौहान साहब और सीपी डुमरे साहब, इनका बहुत अच्छा सा मार्गदर्शन गाइडेंस मिला है, जिसकी वजह से ये गुनाह 24 आवर्स के अंदर हम लोग डिटेक्ट कर पाए हैं। ये तो वहाँ से लापता था, निकल के आया था, ये यहाँ पे कैसे आया इसका तो पता नहीं, लेकिन ये यहाँ पे आके बैठा था और ये रात का टाइम था, इसलिए उसको जाने के लिए कह रहे थे लेकिन ये जा नहीं रहा था, इसलिए उसको उन लोगों ने मारा था।
जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मर्डर का इनका एग्जैक्टली तो ऐसा मकसद नहीं बता सकते, वहाँ पे बैठा था एक, हम लोग जो बोलते हैं कि सडन कॉज पे ये मारामारी हुई है और उसमें उसकी मौत हो गई है। दीवा के रहने वाले आरोपी, विद इन 24 आवर्स ये केस डिटेक्ट हुआ है।